हेलो गाइस। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका जो गूगल शॉपिंग एड्स है उसको मतलब क्या इंट्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें लाइक आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने लिस्टिंग्स को। ठीक है, इस पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कैसे आप यहाँ पे सारी अपनी लिस्टिंग्स यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप कैसे इसमें अपना जो है गूगल पे अपना अकाउंट बनाओगे और कैसे वहाँ से आप जो सारी उसमें प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कैसे इनपुट करोगे उसको। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, साइन इन टू मर्चेंट सेंटर, साइन इन टू एड्स, साइन इन टू मैन्युफैक्चरर सेंटर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पे करेंगे। अगर आप मर्चेंट हैं, नॉर्मल आप प्रोडक्ट सेल करते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको यहाँ पे जाना है। और अगर आपको जो है एड कैंपेन्स चलाने हैं, जैसे हमने आपको उसमें भी दिखाया था, जैसे आपको अगर यहाँ पे लिस्टिंग्स इसमें शो करनी है, तो इसके लिए आपको एड्स में साइन अप करना होगा। तो हम यहाँ पे मर्चेंट सेंटर पे यहाँ पे साइन इन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी अकाउंट होगा उससे आपको जो है साइन इन करना है अपने गूगल के उसमें। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। पहले सबसे पहले आपको अपना जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालनी होगी, बिजनेस कंट्री। ठीक है, तो इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस का नेम जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है, तो बिजनेस है मान लीजिए जो भी आपका है, जैसे कि ठीक है, तो जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो कुछ भी डाल सकते हो, लैपटॉप ट्रेडिंग डाल दे या फिर ये प्राइवेट लिमिटेड हटाना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। तो जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे, और टाइम आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही रहेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में गूगल कॉन्टैक्ट यू अबाउट मर्चेंट सेंटर। तो इसके लिए अगर आपको कोई लाइक टिप्स उनके ईमेल पे कुछ रिसीव भी करने, उनके अपडेट्स या फिर नोटिफिकेशन, वो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, चूज़ द प्रोग्राम्स दैट फिट योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको ऐड चलानी है पेड, जैसे हमने आपको बताया था, ये अगर आपको रन करना है तो आप इसमें जो है ये टिक बॉक्स सेलेक्ट करोगे। अगर नहीं करना, सिर्फ आपको जो है नॉर्मल गूगल का जो फ्री फीचर है वो यूज़ करना है, जैसे कि नॉर्मल आपका इस शॉपिंग पे डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पर सिंपल आपको अपने जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर सेल्फ प्रोडक्शन फिजिकल स्टोर जो भी गूगल के मतलब उसमें होंगे, तो अगर उसमें भी आपको सेल करना तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हमें नॉर्मल इसमें करना तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टू गेट योर मर्चेंट सेंटर रनिंग यू कैन कॉन्फ़िगर प्रोग्राम। अगर आपको वैसे भी बाद में चेंज करना तो आप सारा इसमें कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो गूगल का मर्चेंट सेंटर का डैशबोर्ड होगा आप उसमें आ जाओगे। अगर आपको जैसे प्रोग्राम्स वहाँ पे चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो इनकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स होंगी वो सारे आप यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आपका यहाँ पे साइनअप हो जाएगा। एक बार इस पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, यहाँ से आपको ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल शो योर प्रोडक्ट्स का नॉर्मली इसमें आपका जो सेटअप है वो आप यहाँ से सारा सेट कर सकते हो। प्रोडक्ट डेटा अगर आपको यहाँ पे डालना है, ये वैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक डिटेल में पूरा एक प्रोडक्ट डाल के बताएंगे, अभी सिर्फ वैसे आप देख लीजिए। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जाना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर दोनों इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और टैक्स के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी वो डाल सकते हो, शिपिंग अगर चार्जेस आपको डालना है तो वो डाल सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट का कोई यूआरएल प्रोडक्ट यूआरएल है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इनकी जो पॉलिसी होंगी आप सारा यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे। और प्रोग्राम की सेटिंग्स है तो इसमें अगर आपको कोई जैसे आपकी वेबसाइट का भी कोई शिपिंग पॉलिसी या लिंक है तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपका जैसे वेबसाइट का यूआरएल होगा तो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। वेबसाइट का यूआरएल आपको इसमें डालना होगा, जैसे वेबसाइट का आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। इसमें हमेशा आपको जो है गूगल के हर एक प्रोडक्ट में जो है वेरीफाई वेबसाइट ही हमेशा करवाता है। इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ।
है, सो अभी दिखा रहे हैं आपको आपको अनवेरीफाइड। तो यहाँ पे या तो आप गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर उसमें डाल के, या फिर आई हैव एक्सेस टू माई ओन सर्वर HTML फाइल अपलोड करके, वो भी आपको ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। मान लीजिए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है मेरा, वैसे दूसरा अकाउंट से लॉग इन है उसमें, तो आप यहाँ पे भी जाके इसमें कर सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग कोड आपके पास ऑलरेडी होगा तो उसमें आपका जो है डायरेक्ट आपको वेरीफाई करना होगा। ये आपको वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च कंसोल में भी आपको ये बताया गया होगा कि कैसे आपको इसमें वेरीफाई कर सकते हो अपने गूगल के अकाउंट को। गूगल एनालिटिक्स का कोड आप डिस्प्ले कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स के मॉड्यूल में जाके आप वो भी देख सकते हो कैसे आप उसमें कोड अपना वेबसाइट में प्लेस करते हो, उसके थ्रू वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, या प्रोडक्ट्स का आपका यहाँ पे आ जाएगा, ग्रोथ में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और मैनेज प्रोग्राम्स। अगर आपको जैसे पेड शॉपिंग व कैंपेन भी यूज़ करना तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनके यहाँ पे जो है रीमार्केटिंग हो गया, अगर आपको जैसे दोबारा अपना जो प्रोडक्ट है किसी को शो करना है बार बार, तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़ हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी होंगे। प्रोडक्ट रेटिंग, जैसे गूगल के उस पर लिस्टिंग पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट को रेटिंग देता है तो वो भी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4 बने आते हैं तो वो भी 4 रेटिंग आपकी इसमें कवर हो जाएगी।